Dear students, welcome on RCE online Patsala. Now we start 14.4 question number first. इसमें थ्योरी बिल्कुल भी नहीं है, क्वेश्चंस के साथ ही थ्योरी हो जाएगी, तो देखिएगा ध्यान से. शो दैट द लाइंस x माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 4 एंड x माइनस 4 अपॉन 5 इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 2. देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो, z अपॉन 1 लिख सकते हो और यहां पे मैं जीरो लिख दूं, कोई दिक्कत कोई नहीं है. ऐसे ही आपको ध्यान रखना है. देखो जेड था तो जेड अपॉन वन किया तो भी जेड ही आएगा और माइनस जीरो को लिखा एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस. ठीक है, आर म्यूचुअली इंटरसेक्टिंग, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. देखो ध्यान देना, गिवन लाइंस क्या क्या है, एक्स माइनस वन अपॉन टू y माइनस टू अपॉन थ्री और z माइनस थ्री अपॉन फोर. देखिए इसके इक्वल टू में r1 बोल देता हूं और नंबर वन. देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p ऑन लाइन फर्स्ट विल बी क्या होंगे बोलो. ध्यान देना, टू आर वन देखो कैसे होगा, एक्स माइनस वन अपॉन टू इक्वल टू आर वन और वाई माइनस टू अपॉन थ्री इक्वल टू आर वन और जेड माइनस थ्री अपॉन फोर इक्वल टू आर वन. तो यहां से क्या निकल के आएगा, टू आर वन प्लस वन, यहां से थ्री आर वन प्लस टू और यहां से फोर आर वन प्लस थ्री. कंप्लीट हो गया यहां तक. ठीक है, ऐसे ही देखो अगेन सेम लिखना है, बिल्कुल कोई आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए. एक्स माइनस फोर अपॉन फाइव वाई माइनस वन अपॉन टू और जेड माइनस जीरो अपॉन वन इक्वल टू क्या बोलोगे, आर टू. और ये क्या करना है, अज्यूम कर रहे हो तो मैंने लिख दिया लेफ्ट. ठीक है, उसके बाद देखो ध्यान देना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू ऑन द लाइन सेकंड विल बी बोलो क्या होगा, फाइव आर टू प्लस फोर, समझ गए, फाइव आर टू प्लस फोर, टू आर टू प्लस वन और यहां से क्या आया आर टू. कंप्लीट. उसके बाद देखो ध्यान देना, इसको मैं हटा देता हूं ना, अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा और ये जो पैटर्न है वो आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन में फॉलो करना है और इससे जो रिलेटेड आपके क्वेश्चन है वो अपने आप करोगे. देखना ध्यान से, लाइन फर्स्ट इंटरसेक्ट्स लाइन सेकंड, देयरफोर क्या होगा, आप ध्यान देना. भाई देखो एक बात सुनो ध्यान से, कि ये आपके पास लाइन फर्स्ट है और ये आपके पास लाइन सेकंड है और बोथ लाइंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर दैट टाइम. देखो इनका जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है वो दोनों में कॉमन होगा कि नहीं होगा, भाई लाइन फर्स्ट ये रहा लाइन सेकंड ये रहा, इन दोनों ने इंटरसेक्ट किया, इंटरसेक्ट करने के बाद इनका ये पॉइंट कॉमन है कि नहीं, जहां से एक दूसरे कॉन्टेक्ट कर रही है तो ये कॉमन पॉइंट है कि नहीं. कॉमन पॉइंट का मतलब क्या है, एक्स एक्स के इक्वल है, वाई वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल है और जेड जेड कोऑर्डिनेट के इक्वल है, यही होगा कि नहीं होगा. अब उसके बाद आप चेक कर सकते हो क्या, देखो टू आर वन प्लस वन इक्वल टू फाइव आर टू प्लस फोर. ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, थ्री आर वन प्लस टू इक्वल टू टू आर टू, टू आर टू प्लस वन और थर्ड पे क्या है, फोर आर वन प्लस थ्री,
4R1 + 3 इक्वल टू में R2। ठीक है, अब इनको आप आगे क्या कर लो, सिंप्लीफाई करो। अब ये पैटर्न आपको लर्न रखना है कि फर्स्ट लाइन के इक्वल R1 कर दो, सेकंड के इक्वल R2 कर लो, वहां से आप P और Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लो, और कोऑर्डिनेट्स आ जाए तो X X इक्वल, Y Y के इक्वल और Z Z के इक्वल। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो देखो क्या आएगा, 2R1 - 5R2 = 3। समझ गए ना, 2R1 - 5R2 और 4 - 1। ठीक है ना, इसको मैं इक्वेशन नंबर ए डाल देता हूं, चलो मैं इसको 1 डाल देता हूं अगर पहले नहीं डाला तो। और यहां से क्या होगा, 3R1 - 2R2 = 1 - 2 क्या होगा, -1, और ये आपका दो नंबर हो गया। और 4R1 - R2 = -3, ये आपका तीन नंबर हो गया। अब क्या करना है देखिएगा एक बार, यहां तक आने के बाद देखिए आपको क्या करना है, आपके पास ये तीन इक्वेशंस हैं, इनमें किन्हीं भी दो को सोल्व कर लो। क्या बोला मैंने, किन्हीं भी दो इक्वेशंस को सोल्व करो, और जो वैल्यू R1 और R2 की आती है उसको जो थर्ड बचती है उसमें रख देना, अगर वो सेटिस्फाई करता है तो बोल दोगे कि लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, अदरवाइज नहीं करेगी। ठीक है ना, देखिए अब हम क्या करते हैं, बाई सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, क्या अब ये आप अपने आप कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से, तो R1 की वैल्यू -1 आएगी और R2 की वैल्यू भी क्या आएगी, -1। ठीक है, अपने से कर लेना, ये वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 पुट इन थर्ड क्या है आपके पास, 4R1 - R2 = -3। देखो 4 - 1 - -1 = -3, और यहां से क्या आ गया, +1 = -3, और -3 = -3 आया, और ये उल्टा जी क्या हो गया, सेटिस्फाइड हुआ या नहीं हुआ, सेटिस्फाइड है तो आप क्या लिख सकते हो, हैंस बोथ लाइंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, आपने प्रूव कर दिया, कहने का मतलब है कि किन्हीं भी दो इक्वेशन से आप R1 एंड R2 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, और उसको जो ये जो तीन इक्वेशंस लिखी है उसमें जो बच गई उसमें रख देना, अगर वो सेटिस्फाइड हो गया थर्ड इक्वेशन तो बोल देना कि बोथ लाइंस आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, अदरवाइज नो। समझ गए, अगर ये सेटिस्फाइड नहीं होता, देखो यहां पे क्या आया, -3 = -3 आया, अगर ये गलती से -3 = 4 होता तो हम क्या कहते, हमने जो अज्यूम किया था वो गलत था, हम प्रूव नहीं कर पाते इसको। कहने का मतलब ये है कि आपके पास तीन इक्वेशन आएंगी, उनमें आपकी जो आपकी इच्छा है उन दो इक्वेशन से आप R1 और R2 की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद उस R1 और R2 की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में रखना है। अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया तो कह दोगे कि लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर है, अदरवाइज नहीं है, और मैं अब मान रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब उसके बाद इसने एक बात और बोली है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास क्या था, P और Q था भाई, आपने क्या कहा था कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P ऑन लाइन फर्स्ट और कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q ऑन लाइन सेकंड। आपका अब जो R1 और R2 के वैल्यूज निकली हैं, इनको आप कहां पे मेंशन करोगे, इनको आप क्या कहां पे मेंशन करोगे, या तो P में रख दो या Q में रख दो, किसी एक में रखना है, क्योंकि P और Q अब यहां पे कॉन्स्टेंट पॉइंट्स हैं। कॉन्स्टेंट पॉइंट्स मतलब सिमिलर पॉइंट्स हैं, सेम पॉइंट है। ठीक है ना, अब आप नाउ वी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट
पी देयर फोर। ठीक है, अब इसके आगे करते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, देयर फोर पी इक्वल टू टू आर वन प्लस वन, थ्री आर वन प्लस टू, फोर आर वन प्लस थ्री। आप इसमें आर वन की वैल्यू रखो, आर वन की वैल्यू क्या थी, माइनस वन थी, तो उसको रखोगे तो आपको यहां से मिलेगा माइनस वन और माइनस वन। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। कैसे, देखो आर वन की वैल्यू क्या है, माइनस वन है, तो ये क्या होगा माइनस टू प्लस वन, माइनस थ्री प्लस टू और माइनस फोर प्लस थ्री, तो क्या होगा माइनस वन माइनस वन माइनस वन। देखिए अब ये जो क्वेश्चन था वो कैसा था, जब आपकी जो बोथ इक्वेशंस है वो किसमें रिटर्न हो, किसमें रिटर्न हो, कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में हो, तो आपने क्या बोला है कि भाई आर वन के इक्वल करो, आर टू के इक्वल कर दो। ठीक है, वहां से आप पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लो, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैंने क्या कहा है कि क्वेश्चन ने कहा है कि शो दैट बोथ लाइंस आर इंटरसेक्टेड टू ईच अदर, यही बात करी है। तो मैंने क्या कहा है कि आपकी जो लाइन फर्स्ट और लाइन सेकंड है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट तभी कर पाएंगी जब उनके पी और क्यू क्या हो, कोइंसिडेंट पॉइंट्स हो। तो हमने क्या किया कि तीन इक्वेशंस बनी, भाई पी और क्यू है, इसके एक्स वाई जेड ऐसे तीन कोऑर्डिनेट्स हैं, तो पहला पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के इक्वल, तीसरा तीसरे के इक्वल हुआ। तो हमने पहले के इक्वल किया, दूसरे को दूसरे के इक्वल, तीसरे को तीसरे के इक्वल किया। अब हमें ये कितनी इक्वेशंस मिल गई, तीन। अब इनमें से हम किन्हीं भी दो इक्वेशंस को ले लेंगे, वहां से हम R1 और R2 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और उसको थर्ड में रखेंगे। अगर थर्ड इक्वेशन उस वैल्यू को सेटिस्फाई कर जाती है तो वही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा, मतलब इंटरसेक्ट कर जाएगा। और थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करती तो हम बोलेंगे बोथ लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, ये पूरी कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ना वो आपको बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए, ताकि ये पूरा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या फिर आपको इंटरसेक्शन किस प्रकार से दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती है, इस कॉन्सेप्ट को आप ठीक प्रकार समझो। ठीक है, आज के लिए इतना ही।